मेरे जागने से पहले। हाय रे मेरी किस्मत, मेरे जागने से पहले। हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। BDMI बैन होगा भाई। BDMI नाम का भी गेम है क्या इंडिया में? क्या क्या हो रहा है इस देश में? खैर छोड़ो, हमेशा की तरह इस बार भी हम इस टॉपिक पे भी लेट है। अब मुझे बहुत जल्दी ही पता चल गया था कि BGMI बैन हो चुका है। अब जितने भी लोगों ने बताया कि ये इसके वजह से बैन हुआ, उसके वजह से बैन हुआ, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगा रहे कि इसके वजह से बैन हुआ होगा। कंफर्म घंटा भी किसी को पता नहीं है और मुझे भी पता नहीं है। हर कोई इसका हवा बनाना चाहता है और उसके हिसाब से उनको व्यूज वगैरह मिल जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये मेरा एजेंडा नहीं है। मैं ये व्यूज वगैरह के लिए नहीं बना रहा, मैं तो बना रहा हूँ व्यूज के लिए। मतलब कि देखो, इतना बड़ा गेम है, अचानक से प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से रिमूव हो गया। अब इसका मतलब तो यही है ना कि एक बहुत ही बड़ा रीजन होगा इसके पीछे, क्योंकि इतना बड़ा गेम, इसको अचानक से ऐसे ही गायब कर देना, इसका कुछ तुक बनता नहीं, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। ऑब्वियसली BGMI को भी होता है और क्रिएटर्स को भी होता है, तो हो सकता है कि ये गेम वापस भी आ जाए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। क्या पता इसका और एक वर्जन निकल जाए। अब इसके बारे में मैं कंफर्मेशन तो कुछ दे नहीं सकता क्योंकि मुझे ही कुछ पता नहीं है। मैं अभी 4 बजे उठा हूं सो के, तो मेरे को क्या घंटा पता चलेगा। अगर ये गेम सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से बैन हुआ है तो मैं चाहूंगा कि ये गेम बैन ही रहे, क्योंकि हम जो कि गेमर्स है या फिर गेम खेलने वाले है, ये ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ होंगे। करोड़ भी मैंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है इससे, और अगर उनकी सिक्योरिटी के लिए ये गेम बैन हुआ है तो मैं चाहूंगा कि ऐसे हजारों गेम जो कि अपनी इंडिया की सिक्योरिटी को बैन, ये मच्छर हट, तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये गेम हमारी सिक्योरिटी के लिए बैन हुआ है तो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों जितने भी गेम है हमारे भारत के लिए बैन हो गए, कोई बात नहीं, क्योंकि सबसे पहले अपना इंडिया है, उसके बाद में बाकी सब। बोलो भारत माता की जय, है कि नहीं? और रही बात कंटेंट की, तो कंटेंट तो मैं कैसे भी निकाल ही सकता हूँ, है कि नहीं? मुझे याद है कि जब 1 साल या फिर 1.5 साल पहले गेम बैन हुआ था, तो तभी मैंने एकदम खतरनाक नया आईपैड लिया था हमारे फादर से भीख मांग मांग के। खैर छोड़ो वो बातें, है कि नहीं? तो मैंने वो आईपैड ले लिया और उसके तुरंत 4-5 दिन बाद ही गेम बैन हो गया, तो मेरी फटके फ्लावर हो गए ना। तो मैंने सोचा भाई अब ये आईपैड का करूंगा क्या, लेकिन फिर उसके बाद में मुझे याद आया कि कोरियन वर्जन भी तो है, तो मैंने 1 साल तक कोरियन वर्जन खेला। BGMI आने के बाद भी मैं कोरियन वर्जन ही खेलता था और उसकी आईडी मेरे पास पड़ी हुई है। अगर ये गेम बैन भी होता है तो मैं कोरियन वर्जन खेलूंगा, और अगर ये कोरियन वर्जन के भी ऊपर कोई स्ट्राइक वाइक पेल देता है कोई, तो मेरे पीसी में इतने ज्यादा गेम है कि वो खेलते खेलते मेरी जिंदगी बीत जाएगी और तुम्हारी भी देखते देखते बीत जाएगी, लेकिन गेम खत्म नहीं होंगे। और अगर वो खत्म हो गए तो मैं एक एक डाउनलोड कर लूंगा फिर से। बहुत इंटरनेट है अपने पास। अब तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन वगैरह होंगे तो मुझे बिल्कुल भी मत पूछना, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। बिंदास क्वेश्चन पूछो, उसके जवाब मैं पता नहीं दे पाऊंगा कि नहीं, तो बिल्कुल भी मत पूछना। और जैसे इस पे कोई अपडेट वगैरह आता है मैं तुम्हें तुरंत ही बता दूंगा, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि तुमको बता दूं जल्दी से जो भी कुछ आएगा इसमें, है कि नहीं? तो मेरे पास कुछ गेम प्ले वगैरह पड़े हुए, उनको मैं बढ़िया से एडिट वगैरह करके तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा और आगे का देखेंगे आगे। और अब इस वीडियो को मैं इधर ही खत्म करता हूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें बोलना क्या है कि नहीं? तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू।